नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रेशिका। बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास की शिकायतों के बाद झारखंड की सोरेन सरकार पर अब खतरा मंडराने लगा है। यूं तो हेमंत सोरेन पर आरोप पहली दृष्टि में सही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंसने के बाद हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसकी वजह से उनका सीएम बने रहना कठिन है, लेकिन चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन भी अपने पद से इस्तीफा देने के बाद लालू यादव की राह पर चलते हुए अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इन सबके बीच बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए रांची के अनगढ़ा में 88 डिसिमल पत्थर माइनिंग लीज पर ली थी, जो असंवैधानिक है। इसके बाद राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग से इस मामले में राय भी मांगी थी, जिसके बाद हेमंत की सदस्यता रद्द कर दी गई। दूसरी तरफ बीजेपी की नजर असंतुष्ट विधायकों पर है, जिसमें कांग्रेस के 10 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 विधायक शामिल हैं। ऐसे में अब देखना यह बेहद दिलचस्प हो जाता है कि क्या बीजेपी इन असंतुष्ट विधायकों को तोड़ने में सफल होगी या फिर हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचाने में सफल होंगे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म।